Hi guys, welcome back again to my channel. So finally I am in London and I am vlogging. तो अभी बस मैं निकली हूँ घर से, थोड़ा मार्केट जा रही हूँ. एंड घर में पता है इतना गर्म था ना, एंड यहाँ पे आके इतना ठंडी हवा चल रही है ना कि क्या ही बताऊँ. ओके, तो मैं ना क्या कर रही हूँ फिलहाल, थोड़ा रास्ते देख रही हूँ सो दैट मैं घर वापस जा पाऊँ. एंड यहाँ से निकलने के बाद वी हैव टैको बेल यहाँ पे. ओके, क्योंकि अभी आज हमारा फर्स्ट डे है, ऑब्वियसली सेकंड डे, कल रात में ही हमारा. ओके, वी हैव मैकडी देयर. तो मेरे को ऐसा लगा कि हम तीनों जा रहे थे, बट रियांश को थोड़ा सा नींद आ गई एंड इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं. तो फिर मुझे था कि ओके मैं जाती हूँ एंड थोड़ा सा सब्ज़ी लेकर आती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी और फ्रूट्स एंड थोड़ा सा यू नो ग्रॉसरी लेकर आनी पड़ेगी, तभी हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे. फिर मैंने प्लान किया कि लेट मी गो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. ऑब्वियसली घर के अंदर से बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा था कि बाहर जाके आपको ऐसी ठंड मिल सकती है. ठंड नहीं है बट अच्छी वाली हवा चल रही है, वैसे सनी डे है काफ़ी ज़्यादा. एंड घर से ना 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे मैकडी है, बट मैकडी में भी ना यू विल नॉट गेट वेजिटेबल के ऑप्शंस, नॉन वेज ऑप्शंस मिलेंगे. हे, वेयर इज़ द वेजिटेबल मार्केट? ओके, थैंक यू. देखो आप कितना ना एकदम ऐसे हिली एरिया है, तो यहाँ पे हमको रियांश के ले लेना है स्ट्रॉलर, क्योंकि विदाउट स्ट्रॉलर यहाँ पे अगेन सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल है. वॉक नहीं कर सकते हो आप उसे गोदी में लेके. एंड लुक एट द ATMs यार, ये ATM है क्या? आई डोंट नो, अभी पता नहीं मुझे भी क्या क्या है. वॉट इज़ दिस? ओके, दिस इज़ अ ग्रूमिंग शॉप. एंड यहीं कहीं बोला था वरुण ने मुझे कि वेजिटेबल के ना कुछ फार्मर्स, वैसे तो आपको यहाँ मॉल्स एंड मार्ट्स में मिलेगा इस टाइप का ग्रॉसरी, बट वरुण ने बोला था कि यहाँ पे ना ऐसे थोड़ा सा लोकल फार्मर्स बैठते हैं उसके लिए, वेजिटेबल्स ले लेके. हमारे इंडिया में कितना कन्वीनियंट था भाई, लिए एक्टिवा और चल रही है, लिए गाड़ी चल रही है, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे. या तो कार है और या फिर साइकिल, साइकिल बहुत यूज़ हो रही है, और या फिर वॉक. वॉक तो मतलब मुझे लग रहा है 50% लोग वॉक कर रहे हैं, एंड क्योंकि हिली एरिया है ना तो मैं पतली हो जाऊंगी. ये अच्छा चीज़ है. तो ये एक ग्रॉसरी शॉप है जहाँ पे वेजीज भी एंड सब कुछ मुझे दिख रहा है. ओके, मसाला टीज अवेलेबल, इट मींस यहाँ पे ना ओके इंडियन स्टोर टाइप है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं. सो चलो लेट्स गेट इनसाइड. ओके, इंडियन, इट्स अ इंडियन स्टोर. ओके, परफेक्ट. ओके, इट्स अ इंडियन स्टोर गाइस. शुगर केन गन्ने. हे, इज दिस शुगर केन? यस. ओ माय गॉड, आर यू ब्लॉगर? या. मैंगो. ओ, ब्लॉग का नाम वरुदिका व्लॉग्स. वरुदिका व्लॉग्स, या अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप? कर रहे हैं? या ओके, गार्लिक है. ओके, ओ भाई ये प्याज मुझे लेनी है यार. ओके, ये भी प्याज है, ये भी प्याज है, नाइस, मुझे यही लेनी है. चलनी वलनी चाय की, सब कुछ मेड इन चाइना. क्या प्राइस है इसका? आई डोंट नो, अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है. सारे आपको चमचे वैरायटीज़ के मिलेंगे एंड सारे कुकर्स मिलेंगे, इवन टूथपिक मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है. और इवन ये जो होते हैं ना यूज़ एंड थ्रो वाले, ये भी हैं. ओ, ये भी हैं, ऐसे वो होता है ना रोस्टिंग ट्रे फॉयल वाला, नाइस यार. बड़े बड़े वो हैं, क्या है ये, 5-5 किलो प्याज एंड ऑल. फ्रूट्स में भी है. ओ, इज़ दिस ऑरेंज? इज़ दिस ऑरेंज? हाँ, ये वो थाई गुआवा वाला, बट ये फ्रेश नहीं लग रहा है. दिस इज़ वेर, नहीं ये भी कोई गुआवा है, पता नहीं कौन सा गुआवा है, बट ये अच्छा लग रहा है. कीवी, पाइनएप्पल, पानीपुरी, वी हैव पानीपुरी हियर, पानीपुरी, डेट्स और हनी, एग, एग भी ले लेते हैं. ओ भाई यहाँ पे तो सारे इंडियन पिकल्स हैं, मतलब ह्यूज वैरायटी, ह्यूज वैरायटी. मतलब एक आध ऐसा होगा कि इंडिया में नहीं होगा, बट यहाँ पे भाई सब है, इतने वैरायटीज़ के, यू नो, इवन ड्राइड रेड चिली चटनी एंड मतलब सारी चटनी है, इतनी चटनी. और ये
जिंजर गार्लिक पेस्ट के इतने बड़े बड़े कंटेनर्स, मिंट सॉस, इवन यार सिरका एंड सॉसेस, यू नो सारी सॉसेस हैं। ओ भाई चपाती भी हैं, तंदूरी वाली ना, एंड तो पोक हो गया, ओल है यहाँ पर, तो चिक्की भी है यार। चिक्की कहते हैं इसे, क्या कहते हैं आई डोंट नो, मैं तो इसे गचकी कहती हूँ। ये क्या है, कोकोनट टॉफी, परफेक्ट यार, ये तो बड़ा सही है। एंड ये हमारे घर से तो 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एंड ये सारे तरह के आपको जो है ना सब, ओ लुक एट दिस, पोमेग्रेनेट जूस, लीची जूस, ऑरेंज जूस, कितने बड़े बड़े कंटेनर्स में है ना। वाओ रियली लाइक दिस स्टोर। अच्छा ले भाई, यहाँ तो इतनी वैरायटी की नमकीन, ये सब जो पोहे में डालते हैं हम, वही सारे नमकीन तो है ये। मतलब देखो ये जो ये मटर होती है ना, ये सब तो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे सब कुछ है, आई लाइक इट यार। लो हल्दीराम का तो सारा है ना, नवरत्न है, ऑल इन वन है, बूंदी, अरे चना दाल है ये तो। लो ये जो होती है ना चकोली होती है, ये भी बहुत अच्छी लगती है भाई। यहाँ पे तो इमली भी है, पता है मैं थोड़ा शॉक्ड हो रही हूँ, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मैं देख रही हूँ सब यहाँ पे है, बूंदी है, एंड यहाँ पे सारी तरह की टी आपको मिलेंगी। मतलब मुझे लगता है अगर आप इंडिया से आ रहे हो ना, आप कुछ भी कैरी मत करो अपने साथ, कुछ भी नहीं, आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। पीनट मसाला, नमक, टाटा नमक, और ये लो ब्लैक सॉल्ट भी है, पिंक सॉल्ट है, और यहाँ पे आई थिंक मीट का सेक्शन है, यस। एंड ये लो जवे है, वर्मेसिली, पापड़, चिप्स, ऑयल, चॉप्ड टमाटो जूस, सही है यार, सब कुछ है यहाँ पे। कोकोनट ऑयल कितना हो, मैं बता, पूरा 1 किलो का कोकोनट ऑयल अपने साथ लेकर आई हूँ। पीलर्स हैं, ओ बेबी सूदर्स भी है, ब्रश का सेट है, बलून्स हैं, एंड चॉकलेट्स, चिकन समोसा, रोल्स, जलेबी, स्वीट्स भी हैं यहाँ पे सारी इंडियन। व्हाट इज़ दिस, पता नहीं क्या है, कुछ बच्चों का है। एंड व्हाट वी हैव, ओह माय गॉड, पुडिंग भी है यहाँ पे, ये मेरा रियांश खाता है पुडिंग, वाओ। ओह व्हाट इज़ दिस यार, सफोरा, पता नहीं कुछ चॉकलेट्स हैं, कितने अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट से हैं ना। पोलो भी है, ये पोलो मैंने इंडिया में कभी नहीं देखी कहीं, ये देखिए बस, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्जन भी है। लेज हैं, ले आशीर्वाद का 5 किलो का आटा भी है यहाँ पे यार। वही सब है यहाँ पे, एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्रिंक्स। अच्छा ओके, यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे ना ये दिए भी हैं यार, बताओ अभी क्या ही चाहिए इंसान को, इवन टूथ राखी भी है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, हाय। यहाँ पे इतनी वैरायटी की पूजा वाली माला है, बिंदिया है, मैं इतनी बिंदिया लेकर आई हूँ अलीगढ़ से यार। एंड ये देख लो रोली, सिंदूर, ये पता नहीं क्या क्या है, ये पूजा वाली थालियाँ, नारियल, दिया, दीपक, ओ माय गॉड, सही में यार। और यहाँ पे सारा वो है मकिन्स टाइप है पूरा। एंड यहाँ पे चपाती, पराठा, ये क्या है पता नहीं क्या है, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ये वो हो गया ना वड़ा, और ये सब इन साइड टाइप्स की चीज़ें हैं। ओ माय गॉड, मसाले, सारे मसाले हैं, सारे मसाले। और यहाँ पे ओफो, अनियन पराठा, गार्लिक पराठा, होल मील चपाती, ओरिजिनल पराठा, ओरिजिनल पराठा, गार्लिक नान, चिली गार्लिक पराठा, प्लेन लच्छा, और ये लच्छा पराठा, लच्छा पराठा, और ये मीठा पराठा, भाई सब कुछ है। समोसा, कॉकटेल समोसा, एंड ये वड़ा हो गया, नान, आलू पराठा, भटूरा, मल्टीग्रेन चपाती, रागी रोटी, मतलब जो आप घर में नहीं बनाते ना वो भी है, और ये काली मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब कुछ, तेज पत्ता, जीरा, और यहाँ पे क्या है, ये नॉनवेज टाइप्स लग रहा है मुझे कुछ, ये भी है भाई, मतलब मज़ा आ गया। यहाँ पे आपको मिलने वाली ग्रीन चिली, बीन्स, कॉर्न, तुवर क्या होता है पता नहीं मुझे, जामुन, परवल,
अच्छा ये करेला एंड व्हाट एल्स पता नहीं है मुझे। अच्छा व्हाट एल्स ये क्या है, पंचपूरन। अच्छा ये कुछ ऐसे पांच तरह का मसाला, ये भी कुछ ऐसे मसाला 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 मसाला। एंड हियर वी हैव बहुत सारा मार्शमेलो टाइप्स। ओबे यार ऐसा होता है ना, हम इंडियंस का कुछ देख लें, अरे यार यहाँ तो ये भी है जैम। एंड ये होता है ना सिरके वाला, ये क्या होता है, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड यार, ओलिव्स। और ये पिकल्ड गार्लिक भाई, रेड चिली पेनो, सब कुछ है। ये कुछ नॉन वेज टाइप्स लग रहा है मुझे, ये भी कुछ नॉन वेज टाइप्स लग रहा है शायद 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 हाँ शायद शायद। ये पूरा जो फ्रिज है नॉन वेज का है एंड बहुत सारे ड्रिंक्स का है भाई। MDH का पानी पूरी मसाला है, पुलाव मसाला है, अनारदाना पाउडर है, चटनी पुदीना है, दाल मखनी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, पोहा मेरा फेवरेट है ना, तो ये पोहा है। एंड ये क्या है, रेड पोहा, जिसके बारे में मैंने सुना था बट अभी मैं यूज़ करूँगी इसे। ये पता नहीं क्या क्या आया, बट यहाँ सब कुछ है एक सिंगल स्टोर पे। आपको ना ऐसे इंडिया के किसी भी खाने की याद नहीं आएगी यार, मुझे तो ये लगता है अभी तक। अब टेस्ट में तो हम देखते हैं, बट अभी सब कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, बटर 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 भाई, इंडिया में मैंने कहीं इतना छोटा आशीर्वाद का आटा नहीं देखा। ये 1 kg का है शायद, ये 2 kg का होगा। ये किसका आटा है, रेड राइस फ्लोर, किसके लिए यूज होता है, मतलब आशीर्वाद का आटा तो है यहाँ पर सबसे। सोया 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 सोया। और यहाँ पे ना सारे दाल टाइप्स हैं, हाँ कॉर्न है, दाल है, सारी वैरायटीज़ की, सब वैरायटी की दाल, राजमा, सारी वैरायटी। अरे यार ये रमास है क्या, नहीं मुझे लगा कि रमास है शायद, बट इट्स नॉट रमास, बट चना है यहाँ पे। ये ना ऐसे रमास की शेप का तो लग रहा है थोड़ा सा, मूंगफली मूंगफली पीनट्स, दाल, ह्यूज वैरायटी की, मतलब सारी वैरायटी के। अच्छा ये क्या है, अलग अलग तरह का आटा है, पता नहीं कौन सा है, बट आई वही सेक्शन है पूरा। अच्छा राइस, तो मुझे आटा लेना है, राइस लेने हैं। मैं ना आपको पूरा एक बार दिखा रही हूँ यार, क्योंकि बड़ा हेल्पफुल रहता है अगर कोई बाहर आता है ना तो। लाइक मुझे, मैं इतना सारा सामान लाने की सोच रही थी और थोड़ा टेंशन ले रही थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सब मिलेगा। हम मैं कोई कहता है ना कि ऐसा नहीं होगा, मिलेगा नहीं, बट अभी मैं तो व्लॉग बना रही हूँ, सब मिल रहा है भाई, सारी तरह की नमकीन बिस्किट, सब कुछ मिल रहा है। और ये जो कैंडल्स होते हैं ना, सेंटेड परफ्यूम कैंडल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ये कॉलगेट। अच्छा यहाँ पे ना, क्योंकि इंडियन स्टोर है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे लोग ना इंडियन ही हैं। छोटा सा मस्टर्ड ऑयल ले लेते हैं या फिर इससे बड़ा ये ले लेते हैं। एवरेस्ट का भी है प्योर मस्टर्ड ऑयल, एवरेस्ट का ही ले लेते हैं। ये वाले साइज़ का लेते हैं अभी, क्योंकि हमें ये वाला घर भी चेंज ही करना है। आई थिंक छोटा वाला ही लेती हूँ, ये वाले साइज़ का, क्योंकि हमें ना अभी ये घर शिफ्ट करना है, तो कुछ टाइम के लिए ही हम यहाँ पर हैं। बट मैंने ना ग्रॉसरी ली है, एंड लिटरली ग्रॉसरी इज़ कॉस्टली, बहुत महंगी है, तो मुझे मसूर की दाल निकलवानी पड़ी, और मैंगो तो बहुत कॉस्टली है यार, मतलब सब कुछ बहुत कॉस्टली है। और मैंगो मैंने निकलवाया, और क्या निकलवाया, एक और चीज़ मैंने निकलवाई थी, कोकोनट वाटर। यहाँ पे कोकोनट वाटर वैसा तो नहीं दिखा मुझे, तो मैंने टेट्रा पैकेट लिया था बड़ा रियांश के लिए, बट वो मुझे निकलवाना पड़ा। तो रियांश अगर आएंगे शाम को, वरुण अगर आएंगे शाम को, तो वो लेते आएंगे भाई। यहाँ पे सामान लेके चलने में मेरी बैंड बज गई, ये पूरा बैग है सामान का, तो इसमें ना मेरी बैंड बज रही है। मतलब बहुत सही लोग हैं, मस्त है, थोड़ा सा डिफरेंट है लाइफस्टाइल, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अच्छा ये देखो रोड आपको दिख रही है ना, कितनी हिली वाली है, मतलब ऐसे यू हैव टू गो ऐसे पूरा उतर उतर के, इसलिए उतरने में तो मस्त है, चढ़ने में बैंड बच जाएगी। मैं यहीं पे आई थी ना, हाँ टाको बेल, हाँ यहाँ पे ना बहुत सही मार्केट है। अभी मार्केट तो मैं एक्चुअली देख ही नहीं पा रही हूँ, मैं तो सिर्फ 2-4 चीज़ें देख रही हूँ जो मेरे काम की है, जो मुझे रास्ता बताएंगी। और हमारा जो घर है ना, यहाँ से
15-20 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे चलो बैठ जाते हैं भाई थक गई ओह बहुत नीची है बट ये बहुत कूल है यार। ओके तो वरुण वेट कर रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ रह गए। सो हमारा जो घर होने वाला है ना शायद 15-20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है और यहाँ पे ना मैं एक भी दिन रियांश को गोदी लेके नहीं चल सकती। रीज़न बिहाइंड एक तो इतना स्लेपरी हिली है और विंटर मतलब अच्छी ठंड है अभी भी सब जैकेट्स पहने हुए हैं सब जैकेट्स और ज़्यादा कपड़े पहना दोगे उससे तो बिल्कुल नहीं लेके चल पाओगे। इसलिए यहाँ पे ना एकदम आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे एकदम पूरी भैया चढ़ाई चढ़ाई रास्ता पूरा मस्त। अच्छा वरुण कल रात को यहाँ पे आए थे जब वो दूध वूध लेने आया था तब और मैं क्या क्या लेके आई हूँ तब आपको घर जाके दिखाऊंगी। ठंडी हवा लग रही है ना मैं पागल हो रही हूँ गर्मी में इतनी ठंडी हवा लगती है यार यहाँ पे ऊपर चढ़ के भाई रे भाई। चलो मैं पहुँचती फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। माय गॉड हवा ये देखो मम्मी ठंडी हवा ये पता सिंपल हवा नहीं है ठंडी हवा है यार ये ना लॉक डायरेक्ट ओपन नहीं होगा इसको ओपन करने के लिए आपको कोड डालना पड़ेगा यहाँ पे अब ये ओपन हो जाएगा परफेक्ट है यहाँ पे किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है एंड एंटर हो गई मैं एंड ये हो गया ग्राउंड फ्लोर अंडरग्राउंड हम चलते हैं लिफ्ट में। ओह गॉड हमारा है सेकंड फ्लोर पे चलो जी सेकंड फ्लोर हाय ओके सो ये है फ्लोर एंड यहाँ पे ना सेंसर लाइट्स हैं हर जगह लाइक आप देख रहे हो अंदर पूरा अंधेरा है अभी देखना अभी सेम देखो अंदर वाले में हमारे घर में तो अंदर वरुण है तो चले तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ बनाना लाई हूँ 4 एंड ये लाई हूँ प्याज और 2 किलो का आटा एक ही मैं लेकर आई हूँ चिक्की जो होती है ना चिक्की और ये वाले नमकीन जो पोहे में डलती है भेलपूरी में ये वाला पोहा और छोटा वाला तेल एक छोटी सी थम्सअप दूध और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में लाई हूँ मैं और प्लम भी लाई हूँ मैं नमकीन तो आप ये कल रात में रहते प्लेन भुजिया और एप्पल लाई हूँ नींबू है आलू है टमाटर है कैप्सिकम है। अच्छा ये वाला कैप्सिकम देखो वरुण कितना हार्ड और एकदम टाइट है ना। सो या गाइस बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग एंड अभी मैं सारे फ्रूट्स एंड वेजीज को ना ऑर्गेनाइज कर दूंगी फ्रिज में एंड यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं अभी स्टार्टिंग में क्योंकि हमें ये घर भी शिफ्ट करना ही है तो बस थोड़ा थोड़ा ला के अपना चीज़ें कर रहे हैं सेटल एंड आई होप आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे डिफरेंट लग रहे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को इट्स टोटली फ्री एंड मैं डेली अपलोड कर रही हूँ व्लॉग्स और आजकल तो 2 आ रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ना कुछ इशू आ गया था मेरे चैनल में तो अपलोड नहीं हो पा रहे थे तो व्लॉग्स तो मैंने रेगुलर किए हैं बट हाँ आज भी आपको 2 व्लॉग मिले होंगे। सो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना एंड कॉमेंट ज़रूर करना बाय। अभी तो मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ डेली बेसिस पर।